क्यों नए आबकारी नीति से दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हैं केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। अपने ठेकों का हाल खुद ही देख लो केजरीवाल। दिल्ली में शराब पर नहीं दी छूट, गुस्साए लोगों ने ठेके वालों को दिया कूट। दिल्ली को शराब का अड्डा बना दिया, ऐसी बातें लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कर रहे हैं। जिस केजरीवाल को दिल्ली के लोग आदर्श और नैतिकता का मिसाल मानते थे, आज वही नई आबकारी नीति के कारण दिल्ली वालों के निशाने पर है। लोगों का कहना है कि केजरीवाल सारी नैतिकता को ताक पर रख दिए। जिस अन्ना आंदोलन से उनका जन्म हुआ, अन्ना के मन से वह बड़े बड़े दावे किए और सत्ताधारी लोगों के लिए कहा कि इस कुर्सी के अंदर कुछ समस्या है, जो बैठता है वही भ्रष्ट हो जाता है। आज वही पुरानी बातों को लेकर वो लोगों के निशाने पर है। आप खुद ही वीडियो में देख लें कि केजरीवाल क्या कह रहे हैं। उनके इन वीडियो पर लोगों ने कटाक्ष करते हुए कोई युग पुरुष तो कोई गिरगिट, कोई नौटंकी बात तो कोई स्वार्थी तक कह दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं। सही कहा था केजरीवाल ने कि इस कुर्सी के अंदर कुछ समस्या है, जो बैठता है वही भ्रष्ट हो जाता है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। आज आप केजरीवाल को किस रूप में देख रहे हैं, भ्रष्ट या ईमानदार, ये हम आप पर छोड़ते हैं। आपको बताते चले कि केजरीवाल की नई शराब नीति ने पूरी दिल्ली को अस्त व्यस्त कर रखा है। अब तो शराब की दुकानों पर हंगामे तक होने लगे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली के जगतपुरी, जहां शराब की एक बोतल खरीदने पर दूसरी फ्री नहीं देने से गुस्साए लोगों ने शराब की दुकान पर जमकर बवाल काटा। गुस्साए लोगों ने जमकर पथराव किया और पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया। कि हम पूछते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? जो मजदूर मेहनत मजदूरी करने आए हैं, वो अपना काम छोड़कर शराब को लंबी लंबी लाइन में लगे दिख रहे हैं। इस नई शराब पॉलिसी से व्यापारियों वर्ग से लेकर राजनीति वर्ग के लोगों में नाराजगी है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने तो पहले से मोर्चा खोल रखा है। व्यापारी संस्था फेडरेशन ऑफ सदर बाजार, ट्रेडर्स ऑफ एसोसिएशन हेस्टा ने भी सस्ती दरों पर मिल रही शराब का विरोध जताया है। जगह जगह ठेके खुलने से ट्रेडर्स में नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि कई मजदूर दुकान और फैक्ट्रियां छोड़कर शराब के ठेकों पर लाइन में लगे रहते हैं, जिससे बाजारों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं, इससे समाज में अपराध बढ़ने की आशंका है। महिलाओं की सुरक्षा भी जोखिम में पड़ती दिख रही है। रिहायशी एरियों के साथ धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास भी ठेके खुले हुए हैं। ये शराब नीति दिल्ली को विकास देगा या विनाश, या तो वो केजरीवाल जाने या दिल्ली की जनता। इनका कहना है कि पुलिस जो दंगाई थे, दारूबाज वाले पुलिस लड़कियों को छेड़ रहे थे और लड़कियों को छेड़ने पर ये हंगामा मचा है। तो पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस की पीसीआर वैन आ चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।